जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के अशमुकाम की रहने वाली रूबी जान ने हाल ही में कश्मीर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से गोल्ड मेडल हासिल किया है। कानून की तालिबा रूबी जान इलाके की पहली ऐसी लड़की है जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से अव्वल पोजीशन हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया है। रूबी जान एक ऐसी तालिबा है जिनके वालिद नानवाई हैं। रूबी जान ने अपनी इस कामयाबी का सहरा अपने वालिद के सर बांधा है। उनका कहना है कि वालिद और भाइयों की बेलूस मोहब्बत और मदद से तालीमी सफर में हाल मुश्किलात का सामना करके वो इस मुकाम पर पहुंची है। अल्लाह की बहुत शुक्र गुज़ार हूँ जो उन्होंने मुझे इस ऑनर से नवाजा। तो मैं अपनी फैमिली की भी बहुत शुक्र गुज़ार हूँ, अपने टीचर्स की भी बहुत शुक्र गुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। मेरी मैसेज यही रहेगी कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है टू अचीव समथिंग, ये नेसेसरी नहीं है टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टू बी जीनियस। मैं भी एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मेरे हिसाब से अगर हमें कुछ लाइफ में अचीव करना है तो हार्ड वर्क मैटर्स, हार्ड वर्क करनी है, उसी से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। ये दिमाग में नहीं रखना है कि पहले शायद मैं एवरेज हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, एनीथिंग इज पॉसिबल। अपनी बेटी की कामयाबी पर रूबी के वालिद मोहम्मद रमजान सूफी का कहना है कि अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए उन्होंने काफी मुश्किलात उठाए हैं। ये मेन बच्ची बस मैं पढ़ना ये यद कांदर कारस पे मे क्या बर्दाश्त सख्ती वक्ती यम बच्चे पढ़ना। रूबी के वालिद रमजान सूफी का कहना है कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और सारी मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया, जिसका सिला उन्हें अपनी बेटी की इस कामयाबी की शक्ल में मिला। ईटीवी भारत के लिए अशमुकाम से समीर अहमद की रिपोर्ट।